हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, जैसे ही कोई महिला हमारी बहने गर्भवती होती है तो ये ऐसा पल होता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कोई भी कपल लड़का और लड़की में भेद नहीं करते, लेकिन वे जिज्ञासा के कारण वे जानना चाहते हैं कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताऊंगी जो पुराने समय से भारत में पुराने समय से चले आ रहे हैं, जिनको देखकर आप काफी हद तक अंदाजा लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। इस वीडियो को बनाने का मतलब बस इंटरटेनमेंट है, फन है और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गर्भवती महिला में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिससे 70% पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। नंबर एक, त्वचा में बदलाव। प्रेगनेंसी के दौरान त्वचा में हार्मोन का चेंज होने से बदलाव आते हैं। चेहरे में कील, मुहासे, दाग धब्बे ज्यादा दिखने लगते हैं। चेहरा मुरझाया हुआ लगेगा और उसमें बिल्कुल ही चमक नहीं रहती है, तो पता चलता है कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है। अगर अगर इसका उल्टा है तो समझ लें कि लड़की है। नंबर दो, हाथ पैर ठंडे और स्किन ड्राई रहती है तो समझ ले गर्भ में। नंबर तीन, नमकीन और चटपटी चीजों का खाने का मन करना। वैसे तो गर्भावस्था के दौरान हमेशा नमकीन और चटपटा खाने का मन करता है। जिसे ज्यादा चटपटा खाने का मन करे, ये लक्षण बताता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है। अगर मीठा खाने का इच्छा होता हो तो पता चलता है कि गर्भ में लड़की है। नंबर चार, पेट का ज्यादा भारी होना। दोस्तों, पुराने समय में जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी, पेट को टटोल कर बता देती थी कि गर्भ में लड़का है या लड़की। पेट अगर बाहर की तरफ निकला होगा और नीचे की ओर झुका हुआ महसूस हो तो पता चलता है कि गर्भ में लड़का है। नंबर पाँच, ज्यादा गुस्सा आना। गर्भावस्था के दौरान ज्यादा गुस्सा आता है, मूड चिड़चिड़ा रहता है, तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में लड़का है। नंबर छह, मन घबराता है, कमजोरी सी महसूस होती है और बार बार उल्टी आती है, तो पेट में लड़की होने की आशंका बनी रहती है। नंबर सात, अचानक से ज्यादा भूख लगने लगे तो पहले की अपेक्षा ज्यादा खाना खाने लगे तो समझें कि पेट में लड़का है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मतलब बस एक इंटरटेनमेंट है, इसे पूरी तरह से सच मत मानिएगा। ये बस मैं एक इंटरटेनमेंट के लिए बता रही हूँ, जैसे पुराने बुजुर्ग कहते थे बस वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। Thanks for watching. Bye.